सलामकुम। हम ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे साथ बहू वाला आईडी में कुछ टाइम है तो हम इसको अगले क्वार्टर पे डाल देते हैं, और जब तक हम साथ बहू वाला आईडी पे काम कर ले। असद भाई, आपको अच्छी तरह से पता है कि मुझसे ये घिसे पेटे आइडियाज नहीं होते। मैं अगर कुछ लिखूंगा अलग लिखूंगा, नए पन के साथ लिखूंगा। एक वीक में अगर आप दे देते तो ठीक है, वरना हम ये साथ बहू वाला आईडी को लॉक कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। ओके। क्या हो रहा है ये? इसका गुस्सा चाय पे निकाल रही थी। किसका गुस्सा? किसका? अरे इसका, रानी मेट का। और किसका? मैं पहले ही समझ गया था, सुबह सुबह वॉइस नोट आ गया होगा। बाजी संभाल लीजिएगा, आ जा नहीं पाऊंगी, है ना? बहुत प्यार करता हूं तुमसे, जो कि तुम्हारे अंदर चल रहा होता है ना, सब समझ जाता हूं। अरे वाह, चाय रेडी? क्या बात है। हेलो। हाँ रानी, तुम कल आना मत। क्यों बाजी, खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, वो मुझे और हमजा को कहीं बाहर जाना है, इसलिए तुम सुबह मत आना। चले, फिर नहीं आती। हाँ खुदा हाफिज। ठीक है। क्या करे क्या करे क्या करे। चाय। ओह थैंक यू जाना। वेलकम जाना। बात हो गई तुम्हारी? किससे? किससे क्या मतलब, राफे अंकल से। उनको कंफर्म करना था कुलसुम आंटी के 40वें का। हाँ वो 40वां कमिंग सैटरडे को है। वो मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। जाना आर यू ओके? तुम ठीक हो? ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ है, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। यू आर ऑल राइट? हाँ झूठ, सफेद झूठ। ये कैसे मुमकिन है कि मैंने इतना कचरा फैलाया वो और तुम कुछ सुनाए बगैर चली जाओ यहां से? वो एक्चुअली मैं समझ गया। I can understand। बिशारी कुलसुम आंटी ने तुम्हें माँ की तरह पाला था, उनकी अचानक डेथ ने पूरे खानदान को हिला के रख दिया। It's all right, okay? हनी मेरी बात समझने की कोशिश करो।
नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकते। हमजा का कोई ऑफिस नहीं है। अच्छा ठीक है, आई प्रॉमिस मैं मौका लगते ही तुमसे मिलूंगी। ठीक है, हाँ ओके बाय। आपने बताया नहीं कि आप आज पार्टी में जाने वाले थे। पहले से प्लान नहीं, अभी बना इमरजेंसी में, तो मैं भी ले जाता लेकिन। नो थैंक यू, मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बोरिंग राइटर पार्टीज में। आई जस्ट नीड अ पीस ऑफ माइंड। मैं लेट हो जाऊंगा, तुम सो जाना। ओके खुदा हाफिज। मेरे साथ तुम्हारे अलावा कभी इधर उधर देखा भी नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ ये करोगे, कभी सोचा भी नहीं। ये सब मेरी गलतफहमी है, ये सब मेरे दिमाग का फुतूर है। जाना मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी गली जबान से मेरा नाम मत लो। तुम जैसी घटिया और नीच औरत से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरी आप ही नीच और घटिया नहीं है। आप ही? अरे आप तो बहुत खुश नसीब है, मेरी आप ही जैसी आपको नेक सिर्फ बीवी मिली। हनी मेरा कजन और कुलसुम आपा का बेटा है। बहुत खूब। एक और झूठ, अगर ये उनका बेटा था तो उनकी मैयत में क्यों नहीं था और कभी किसी घर की तकरीब में क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि मैं एक धब्बा हूँ, धब्बा हूँ मैं अपने खानदान वालों के लिए। 15 साल का था जब मुझे मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं तो उनके लिए कब का मर गया। लेकिन क्यों? छक्का ही जड़ा, और ना जाने पता नहीं इस जैसे कितने ताने वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनको लगता था कि मेरी वजह से खानदान में उनकी नाक कट रही है। हनी हनी, तुमने प्रॉमिस किया था ना तुम कभी नहीं रोगे। हनी नहीं, रोना नहीं। पता है आपको, आप ही ना होती ना मैं सच में अपनी जान ले लेता, मर जाता मैं। मुझे आला तालीम दिलवाने के लिए यूके भेजा और एहसास दिलाया मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा पूरा हक है, और आज आज मेरी वजह से मेरी बहन के किरदार में दाग लग गया। मैंने बोला था ना आप ही मुझे मर जाने दे, आप बोला था मेरी वजह से हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आज मेरी वजह से मेरी आप ही का हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। मर जाने दे मुझे आप ही।
तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि मेरे दिमाग में मौजूद खन्नास की वजह से ऐसा हुआ है, जो तुम जैसे खूबसूरत लोगों को अपने से दूर कर देते हैं। यू नो व्हाट, मैं अब तुम्हारे साथ हूंगा। मेरा कलम तुम्हारी आवाज बनेगा, तुम्हारी आवाज आगे बढ़ाऊंगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो हमजा, हाउ आर यू? हो गई स्क्रिप्ट? जनाब सर कहानी मिल गई, रेडी करें। नो साज भाव जनाब, चलें फिर कल बैठते हैं। सी सून। मर्द और औरत की तरह ख्वाजा सिरा भी अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन बदकिस्मती से माशरे में ख्वाजा सिराओं के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बल्कि यूं कहिए कि इन्हें इंसान समझा ही नहीं जाता। गैर तो गैर इन्हें अपने कबूल करने को तैयार नहीं होते, और हमारा महज़ब माशरा इस मजलूम मखलूक को इज्जत देना तो दूर, जनाना छक्का हिजड़ा और ना जाने कैसे कैसे दिलाजारी वाले अल्फाज से पुकारता है। मगर अब वक्त आ गया है हम अपनी मनफी सोच को मुस्बत अंदाज में सोचे। वो ख्वाजा सिरा अपनी मर्जी से नहीं बनता, मर्द और औरत की तरह इसे भी खुदा नहीं बनाया, और इन्हें भी दीगर इंसानों की तरह अपनी फैमिली के साथ जीने का पूरा हक हासिल है।